नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी होता है खबरों को रोक करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने का प्रयोग शुरू। मिली राजस्थान के दशरथ सिंह से जिनके पास 68 डिग्री और डिप्लोमा। 24 घंटे में 238 नए मरीज, 24 की गई जान, दोगुने से अधिक हुए ठीक। दिल्ली में वाहनों की बेकाबू रफ्तार पर लगी लाम, ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में किया संशोधन। अखिलेश बोले नैतिकता की आड़ में जनता गुमराह कर रही भाजपा सरकार। 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम, इन जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दानापुर भागलपुर एक्सप्रेस समेत 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें फिर चलेंगी। बिहार में अगले 36 घंटे के भीतर आएगा मानसून, कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी। पेट्रोल डीजल और एलपीजी कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन का आधार घोषित करे सरकार, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन। राजस्थान बोर्ड ने की रीट परीक्षा स्थगित करने की अधिकारी घोषणा। हरियाणा बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित। मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। 12वीं कक्षा के बचे प्रैक्टिकल विषयों की 15 जून से होगी ऑनलाइन परीक्षा। एमपी गुजरात सहित इन राज्यों में समय से पहले पहुंचा मानसून, यूपी बार में अलर्ट जारी। सोने की कीमत में भारी बढ़ोतरी, चांदी भी हुई महंगी। 15 जून से लखनऊ से 8 शहरों के लिए मिलेगी एसी बस, जाने कैसे होगी सीटों की बुकिंग। हाईकोर्ट ने आदेशों के खाली पदों को भरने की सुबह 8 के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों सहित अपने अन्य सदस्यों को हाईकोर्ट न्यायाधीश बनने के प्रस्ताव को देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की सहमति मिलने का दावा किया है। लेकिन अब इसको लेकर विरोध की सुर भी उठने लगे। राजस्थान में वकीलों ने विरोध को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। इधर सीजीआई कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से प्रस्ताव मिलने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन प्रस्ताव पर सर्वसहमति की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान में झुंझुनू जिले के खरोड़ गांव के डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने विभिन्न विषयों में 68 डिग्री एवं डिप्लोमा प्राप्त कर साबित कर दिखाया कि शिक्षा एवं ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। दशरथ सिंह ने देश सेवा करने के साथ साथ पढ़ाई करते हुए अपने जीवन में इतनी डिग्री हासिल कर ली है कि वे हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने बताया कि उनकी इतनी डिग्री हासिल करने का मकसद अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा के प्रति उनकी शुरू से ही ललक रही है। अब तक वे विभिन्न विषयों में कुल 68 डिग्री एवं डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों के साथ साथ मृतकों के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है और दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण केवल 238 नए मामले सामने आए तथा 2400 मरीजों की इस महामारी से मौत हो गई है। अब पॉजिटिव रेट भी 0.31% पर आ गया है। दिल्ली में अब 4000 से कम एक्टिव केस है। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा मरने वाले बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। 2 व्हीलर से लेकर कार, ऑटो और ट्रकों तक के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार संशोधित नई स्पीड लिमिट तत्काल आधार पर लागू होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बंदरबाट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। कोरोना संक्रमण, जानलेवा ब्लैक फंगस के महंगे इलाज में सरकार की लापरवाही, जीवन रक्षक दवाइयों के अकाल और ठप्प विकास कार्यों के साथ हर मोर्चे पर भाजपा सरकार में गरीब, किसानों, नौजवान और समाज के शोषित वंचित पिछड़े वर्गों के हितों पर कुटराघात ही होता है। उत्तर प्रदेश में मानसून का माहौल बनने लगा। मौसम विभाग ने शनिवार 12 जून से सोमवार 14 जून तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बारिश होने, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की है। इस दरमियान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। 12 व 13 जून को पूरी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार दिखाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर एवं सियालदह से दानापुर, मुजफ्फरनगर तथा सहरसा के मध्य चलाई जाने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू होगा। ये ट्रेन पहले स्थगित की गई थी, अब इन्हें 14 जून से पुनः बहाल किया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का मार्ग ठहराव और समय पूर्व की भांति ही रहेगा। यात्री सारणी के लिए रेलवे की वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून के बादलों का रुख सुबह की ओर बढ़ रहा है। मौसम परिस्थितियों के अनुसार अगले 24 से 36 घंटों में मानसून का प्रवेश प्रदेश में सुनिश्चित है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह में बारिश की स्थिति का आकलन जारी है। शुक्रवार की बारिश की स्थिति अगर मानसून के आगमन के मानक के अनुकूल पाई गई तो बिहार में इसके आगमन की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। शनिवार तक तो निश्चित रूप से इसके सुबह में प्रवेश और आंशिक प्रसार के आसार है। मानसून के आगमन के बाद राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्य भर के पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार की 10वीं और 12वीं कक्षा की जैक की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय का स्वागत किया है। आखिरकार आरबीएसआई ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के चलते 20 जून को प्रस्तावित रीट परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तिथि घोषणा जल्दी की जाएगी। वैसे पिछले कई दिनों से कोविड-19 की भावी स्थिति को देखते हुए 20 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को स्थगित माना जा रहा था। परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए थे। सरकार भी पिछले कई दिनों से नई परीक्षा तिथि पर मंथन कर रही है, लेकिन गुरुवार को इसे टालने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम आज बिना परीक्षा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अभी रिजल्ट का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कुछ देर में रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो गया है और छात्र अपना रिजल्ट हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड में भिवानी BSEH की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कोविड-19 से मृत्यु होने पर संबंधित व्यक्ति के परिवार वालों को 4,00,000 रुपए मुआवजा देने की मांग पर पूरी गंभीरता व सहानुभूति के साथ विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल विषयों की बची परीक्षाएं और ऑनलाइन करवाने का फैसला किया। परीक्षा के संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये परीक्षा 15 जून से 26 जून तक चलेगी। परीक्षा में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सारे स्कूलों को कहा गया कि वो उक्त नियमों का सख्ती से पालन करें। मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से 7 दिन पहले पहुंच गया। बंगाली खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे उड़ीसा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को दिल्ली में 9 से 99 शुद्धता वाली 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 49,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 9 से 99 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत 72,353 हो गई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। कोरोना कर्फ्यू हटते ही एसी बसों की मांग बढ़ गई। रोडवेज अपनी रूटीन की एसी बसों को बढ़ाने जा रहा है। ये बसें लखनऊ से 8 महानगरों के बीच चलेंगी। चिन्हित रूटों पर 64 अतिरिक्त बसें चलेंगी, जिसमें एसी जनरल शताब्दी वोल्वो बसें। इन बसों का संचालन 15 जून से होगा। परिवहन निगम के ऑनलाइन सीट बुकिंग में एसी बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिनभर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सबसे बड़ी फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहिमो के समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।